नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z6 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 6.46 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 6.32 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि iQOO Z6 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो iQOO Z6 5G में 2.98 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि iQOO Z6 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो iQOO Z6 5G में 0.32 इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो iQOO Z6 5G में 185 ग्राम जबकि Redmi Note 11 SE में 178.8 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iQOO Z6 5G में IPS LCD जबकि Redmi Note 11 SE में Super AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iQOO Z6 5G में 6.58 इंचेस जबकि Redmi Note 11 SE में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iQOO Z6 5G में 1080x2408 और Redmi Note 11 SE में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iQOO Z6 5G में 84.09% जबकि Redmi Note 11 SE में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iQOO Z6 5G में 401 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 SE में 409 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 SE की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iQOO Z6 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 SE की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो iQOO Z6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iQOO Z6 5G में Adreno 619 जबकि Redmi Note 11 SE में Mali-G 76MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iQOO Z6 5G में Qualcomm Snapdragon 695 और Redmi Note 11 SE में MediaTek Helio G95 मिलता है। बात करें RAM की तो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो iQOO Z6 5G में अप टू 1TB जबकि Redmi Note 11 SE में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iQOO Z6 5G में Android V12 जबकि Redmi Note 11 SE में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो iQOO Z6 5G में दो कलर्स जबकि Redmi Note 11 SE में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iQOO Z6 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi Note 11 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो iQOO Z6 5G में सात फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 SE की तो उसमें छह फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 SE आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में iQOO Z6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix 08i है, दूसरा Vivo Y72 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।